वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिकी सिंटैक्स पार्ट टू। सिंटैक्स के ट्रिकी पार्ट की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिंटैक्स होता है। और सिंटैक्स का मतलब होता है कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब किस तरह से आएगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल की जो जुगलबंदी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, इसे सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। सिंगुलर और प्लूरल बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन स्पोकन रिटन हर जगह कॉम्पिटिशन से लेके हर जगह पे सिंगुलर और प्लूरल की गलतियां लोग करते हैं। तो लेट्स सी कि आज सिंटैक्स में हमारे पास क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटैक्स में ये एक शॉर्टकट पॉइंट है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग वर्ड्स लाइक आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो देन द वर्ब फॉलो द सेकेंड सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में हम ये कहते हैं कि किसी जगह पर सेंटेंस में कोई आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे वर्ड्स से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, या दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को जोड़ा गया है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, तब जो वर्ब होता है वो सिंगुलर या प्लूरल जो होता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखिए क्या है, आइदर योर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आइदर के साथ और आया है, यहाँ नाइदर के साथ नॉर आया है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे वर्ड से, तो वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना किस पर डिपेंडेंट करता है, ये लॉजिक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, पहला सब्जेक्ट ये है योर ब्रदर, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब वर्ब आया है, तो ऐसी परिस्थिति में जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया होता है तो सेंटेंस में आने वाला वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसके हिसाब से वर्ब होगा, और इसके हिसाब से इज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, आइदर योर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू फेल इन द एग्जाम। ठीक है, अब यहां देखिए इसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, आर यूज किया जाएगा, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आइदर की जगह पर नाइदर का यूज किया गया है। आइदर सकारात्मक होता है, नाइदर नकारात्मक होता है। आइदर का मतलब या तो वो या तो उसके दोस्त, नाइदर का मतलब ना तो वो ना तो उसके दोस्त। तो यहां देखिए नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स है, तो यहां पर देखिए पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। पहला सब्जेक्ट जो है यू है और दूसरा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स। ये एक व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो सेकंड सब्जेक्ट की बात मानी जाएगी, ये प्लूरल है, इसलिए यहां पर भी इसकी जगह पर आर का यूज करेंगे। सेंटेंस सही होने पे क्या होगा, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू फेल इन द एग्जाम, ना तो तुम और ना ही तुम्हारे दोस्त जो है एग्जाम्स में फेल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग था, लेकिन लॉजिक दोनों में सेम था। चलिए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी का ट्रांसलेशन बनता है यह ही नहीं बल्कि वह भी। हिंदी में ऐसा ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश में नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर है हिज फ्रेंड्स। ये है प्रॉपर नाउन और ये है सिंगुलर, ये है कॉमन नाउन फ्रेंड्स और ये जो कॉमन नाउन है ये है प्लूरल। ठीक है, तो ये पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल, इसके हिसाब से वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना डिसाइड होगा। क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैज की जगह पर क्या होगा, हैव होगा। सेंटेंस सही होने पे क्या दिखेगा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव टू वर्क हार्ड, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी मेहनत करनी पड़ेगी या पड़ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए फोर्थ वाले में, यू और योर फ्रेंड्स, हिंदी में अपवाद, इंग्लिश में एक्सेप्शन। अभी तक हमने बात की थी कि दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए दो वर्ड का यूज किया था, जैसे कि आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन इस बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और पहला सब्जेक्ट है यू, दूसरा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स, और के आने पर भी दूसरे सब्जेक्ट की ही बात मानी जाएगी, फ्रेंड्स प्लूरल है, इसीलिए यहां पर इज की जगह पर क्या आएगा, आर आएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू और योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट।
तुम या फिर तुम्हारे दोस्त इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक बहुत सिंपल सा पॉइंट लेकर के आपको चार बेसिक लॉजिक, चारों लॉजिक सेंटेंस अलग अलग थे लेकिन लॉजिक सेम थे, इसको हमने बताने की कोशिश की आपको बहुत सिंपल तरीके से कि अगर कोई सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जोड़ा गया हो तो ऐसे में सेकेंड सब्जेक्ट को ही दूसरे सब्जेक्ट हिंदी में करता है इंग्लिश में डूअर को ही सही मानते हुए, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इस सिंपल से पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आपको बहुत मदद मिलेगी। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।